हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिवाइविंग ब्यूटी। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी यूज़फुल वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने चेहरे के साथ साथ अपनी बॉडी को कैसे गोरा और सुंदर बना सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई फेयर सोप का रिव्यू। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है माई फेयर सोप के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि ये क्या काम करता है, क्या ये जो क्लेम करता है सच में फुलफिल करता है, इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं। तो गाइस, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड प्राइस की। तो गाइस, ये सोप जी ड्रग कंपनी की तरफ से आता है, एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में दिया गया है। एंड गाइस, इसका प्राइस है 75 ग्राम के लिए 130 रुपये। गाइस, आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, हर जगह ईजिली अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन या अपने नियर बाय मेडिकल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पॉली बैग में सील करके दिया जाता है। तो चलिए गाइस, इसे पॉली बैग से भी निकाल लेते हैं। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं सोप का कलर येलो कलर है। एंड गाइस, इसमें यूज़ करा गया है मुलेठी, एलोवेरा, विटामिन सी, एप्पल जूस एंड इमली का एक्सट्रैक्ट। गाइस, इस सोप में किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है। एंड गाइस, ये सोप क्लेम करता है ये हमारे स्किन पे तीन तरह से वर्क करता है। नंबर वन, हमारे स्किन में जमा धूल मिट्टी को क्लीन करता है, स्किन पे जमा डेड सेल्स को क्लीन करता है बिना स्किन को ड्राई और डैमेज किए। गाइस, इसमें इंक्लूड है मुलेठी जो स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने का काम करेगी, स्किन में पिगमेंटेशन को भी कम करेगी जो स्किन को डार्क बनाने के काम करता है। एंड गाइस, इसमें इंक्लूड में एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगा। इसमें इंक्लूड है विटामिन सी जो स्किन को ब्राइट बनाने का काम करेगा, स्किन को प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड सन डैमेज। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट की। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के रिजल्ट की। तो गाइस, मुझे सोप को यूज़ करते हुए अराउंड 25 डेज से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इसे सिंगल पर्सन यूज़ करी थी, मेरी फैमिली में किसी और ने इसे यूज़ नहीं किया है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका ये चलने वाला अगर आप इसे सिंगल यूज़ करते हैं। अगर फैमिली में जैसे 4-5 लोग हैं तो आपका ये मे बी इवन 15 दिन चलेगा, लेकिन अगर सिंगल पर्सन यूज़ करते हैं तो अराउंड आपका ये 40 डेज या 45 डेज तक चल जाएगा। एंड गाइस, जब हम इस सोप को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन टोन का कलर जो डार्क होने लगता है, जो हमारी स्किन पर टैनिंग आ गई होती है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है, स्किन का कलर फेयर दिखाई देने लगता है। इसके इस्तेमाल से स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती, काफ़ी सॉफ्ट और ग्लोइंग फील होती है। एंड गाइस, अगर आप इसके रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको इसे दिन में 2 बार कंटिन्यूस यूज़ में लेके आना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 डेज तक, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। बट गाइस, अगर आप इसे दिन में 1 बार यूज़ करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक के अंदर दिखाई देना स्टार्ट होंगे। एंड गाइस, अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट वगैरह हैं, ये डार्क पैचेस वगैरह पड़ गए हैं, तो वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होने वाले हैं और ना ही ये पिंपल वगैरह पे भी वर्क करता है। अगर आपके एक दो पिंपल होते हैं आपके फेस के ऊपर तो वो धीरे धीरे रिड्यूस जरूर हो जाते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है तो वो ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। एंड गाइस, इसके इस्तेमाल से एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस करी है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या हमारे अंडर आर्म वगैरह होते हैं, जो उनका कलर धीरे धीरे डार्क होने लगता है, तो वो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे स्लोली रिड्यूस होने लगता है, स्किन लाइटन होना शुरू हो जाती है। पर ये स्लो प्रोसेस है, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। बट गाइस, जब आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे, देखेंगे आपके स्किन टोन का कलर वहाँ का लाइटन आपको दिखाई देने लगेगा। एंड गाइस, ये जो सोप है ये हमारी स्किन पर जो ऑयल वगैरह समर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगने लगती है, तो ये ऑयल को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, जिससे स्किन काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट फील होती है, काफ़ी फ्रेश फील होती है। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्किन टोन का कलर थोड़ा डार्क है तो वो थोड़ा फेयर हो जाए, एक दो टोन लाइटन हो जाए, क्या वो ऐसा हो सकता है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस सोप के इस्तेमाल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सोप इतना ज़्यादा कैपेबल अपने आप में नहीं है कि ये आपकी स्किन को 1 से 2 टोन लाइटन कर दे। ये सिर्फ ये काम करता है कि आपकी जो एक्चुअल स्किन टोन होती है वो आपको वापस लौटा देता है, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ये क्लेम करते हैं कि सोप के इस्तेमाल से आपको एकदम से गोरापन मिलेगा, आपकी स्किन एकदम से वाइट हो जाएगी। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये सब फॉल्स क्लेम है। ऐसे अगर आप इस तरह से अगर आप एडवर्टाइजमेंट देख के, इस तरह के वीडियो देख के अगर आप इसे परचेज करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी परचेज मत करिए। अगर आप इस सोप का इस्तेमाल करते हैं तो इस सोप के इस्तेमाल से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होने वाले, एब्सोल्युटली सेफ है हमारी स्किन के लिए, तो आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज का मेरा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा औरों के साथ, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।